नमस्कार, पीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। भारत में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 1241 लोगों की हुई मौत, वही 67,084 नए मामले आए सामने। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, हिंदू हित हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। स्टेशनरी घोटाला में स्टोर कीपर को जेल, ईओडब्ल्यू को नहीं मिल पाया पीसीआर और कर्मियों की लिप्तता की संभावना। डीजी पांडे ने जवानों का भत्ता दोगुना करने का दिया आश्वासन, सीसीटीवी जवानों की पीठ थपथपाई। स्कूलों में रहेगी 76 दिनों की छुट्टियां, शिक्षण अधिकारी ने जारी की अधिसूचना। पुलिस के क्विक एक्शन से बची युवक की जान, अपहरण कर मर्डर करने का था प्लान। अजमेर में बेकाबू वाहन ने नागपुर के श्रद्धालुओं को रौंदा, एक की मौत, 3 घायल। शहर में अब चल निकला है हड़ताल का दौर, 80 के बाद अब महावितरण और स्वास्थ्य कर्मियों का आंदोलन। समाजवादी विचारधारा से जुड़े दलों को एक मंच पर लाने की कवायद, नागपुर में होगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा का गठन। भारत में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 1241 लोगों की हुई मौत, वही 67,084 नए मामले आए सामने। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।